पाकिस्तान से आगामी एशिया कप की मेजबानी छीनी जाना तय है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग जैसा ने कहा था कि एशिया कप तटीय स्तर पर खेला जाएगा, इसे लेकर पाकिस्तान नाखुश है। अगले महीने अंतिम फैसला लिया जाएगा। उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने दिया बड़ा बयान। शाहिद अफरीदी ने कहा कि इस मामले में आईसीसी की भूमिका अहम हो जाती है, उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बीसीसीआई के सामने आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता है। अफरीदी ने कहा कि बीसीसीआई ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है। अफरीदी ने बीसीबी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ है तो इसके लिए मजबूत निर्णय लेना आसान नहीं है, उन्हें बहुत सी चीज़ों को देखना होगा। भारत अगर आंखें दिखा रहा है तो उसके पीछे ये बात है कि उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया है। एशिया कप के मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कोच जावेद मियांदाद ने कहा था कि मैं तो पहले ही कहता था कि नहीं आता है तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बयान को लेकर मियांदाद ने सफाई दी और मियांदाद ने कहा कि उनके कहने का मतलब का गलत निकाला गया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि भाड़ में का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं खेलना है तो मत खेलो, इसलिए कर हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इस मसले पर दोनों देशों के खिलाड़ियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि दोनों टीमों के बीच मैच होनी चाहिए, इसका फायदा दोनों देशों को होगा। मियांदाद ने कहा था कि भारत को अगर ऐसा लगता है कि उसके पास पाकिस्तान नहीं आने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने क्रिकेट से लेकर हॉकी तक कई दिग्गज खिलाड़ी हैं, पाक दुनिया भर में पड़ोसी देश आपस में खेलते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम दूसरे मुल्कों से खेलेंगे, मियांदाद ने यहाँ तक कहा था।